नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ, और बड़ी खबर आ रही है किसान नेता राकेश टिकैत में दरअसल सीधे सरकार पर हमला बोला है और ये आरोप लगाया है सरकार पर कि सरकार उन्हें दिल्ली में मारने की साजिश रच रही थी। इसी के साथ ही देखा गया कि कैसे पिछले दिनों कुछ लोगों ने सीधे राकेश टिकैत पर हमला किया और इसी के साथ ही बेंगलुरु में जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था उस पर उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई थी। इसी के साथ ही जिस तरीके से लगातार विरोध किसान राकेश टिकैत को लेकर के दर्शा रहे हैं, तो राकेश टिकैत का ये कहना कि वो एक बार फिर से आंदोलन शुरू करेंगे और जो ट्रैक्टर का रुख है वो दरअसल इस बार दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ की तरफ मुड़ेगा। आपको बता दें कि हालांकि ये स्टेटमेंट उन्होंने अभी दी है, लेकिन इससे पहले एक बार उन्होंने ऐसी ही बातें और कही थी कि लखनऊ में भी इसी तरीके का किसान आंदोलन हो सकता है, जिस पर कि उस टाइम पे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि ये दिल्ली नहीं ये लखनऊ है और लखनऊ में स्वागत हमारे तरीके से होगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों ये भी चर्चाओं में चीजें थी कि कैसे राकेश टिकैत जो है महाराष्ट्र जाते हैं और महाराष्ट्र में औरंगजेब की मजार पर वो सजदा करते हुए देखे जाते हैं, जिसके बाद लगातार जो लोग हैं उनको ट्विटर पर ट्रोल करते रहे और ये पूछते थे कि क्या अब ये किसान नेता का आंदोलन करने के लिए वो औरंगजेब की मजार में गए हैं या फिर किसानों का समर्थन औरंगजेब ने किया था जो कि उनके मजार पे वो सर झुकाने के लिए गए हैं। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर से संगठन को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और कहा है कि फ्री बिजली देने का वादा करके आप नलकूपों का मीटर लगाकर किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 10 साल से अधिक हो चुके ट्रैक्टर को रोका जा रहा है और ये ट्रैक्टर इस बार दिल्ली की बजाय लखनऊ की तरफ मुड़ सकते हैं। बता दें कि टिकैत ने एक बार फिर से किसानों से संगठन को आगे बढ़ाने की अपील की है। आपको बता दें कि टिकैत शुक्रवार को मेरठ के जंघेड़ी गांव में स्थित धर्मेश्वरी फार्म हाउस पर भारतीय किसान यूनियन की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ये बयान दे दिया। दरअसल राकेश टिकैत केंद्र और राज्य सरकार पर उनकी हत्या कराने की साजिश रचने का भी आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत बनाने के लिए इसका विस्तार करने को कहा है। साथ ही उन्होंने सरकार पर भारतीय किसान यूनियन को कमजोर करने का भी आरोप लगाया और ये दावा किया कि अगर आपस में उलझ गए तो सरकार हमें मरवा देगी। आपको बता दें कि राकेश टिकैत जो हैं लगातार इस तरीके के हथकंडे अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां राकेश टिकैत की पोल खुलते हुए दिखाई दे रही है और जिस तरीके से उनके अपने ही लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया इलेक्शन के दौरान, इसी के साथ ही जो तमाम किसान हैं उनके परिवार वाले भी लगातार टिकैत पर अब अपना पक्ष जाहिर नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्हें भारतीय किसान यूनियन से भी इसीलिए निकाला गया, इसीलिए बर्खास्त किया गया उनके पद से कि वो किसानों की बात छोड़ करके अपनी राजनीति चमकाने में लग गए थे और राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें उठ रही हैं। और अब राकेश टिकैत सीधे सरकार पर अपनी हत्या कराने का आरोप लगा रही है, जिससे कि उन्हें किसानों का समर्थन मिल सके। आपको बता दें कि किसान नेता का मानना है कि एकजुट रहेंगे तो ही ताकतवर रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक में उन पर हुए हमले को साजिश करार दिया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो संगठन के लाखों टिकैत इंकलाबी झंडे उठाएंगे। आपको बता दें कि पिछले महीने यानी कि 15 मई 2022 को भारतीय किसान यूनियन से राकेश टिकैत को बाहर निकाल दिया गया था। इसके साथ ही उनके भाई नरेश टिकैत को भी भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उनके स्थान पर राजेश सिंह चौहान को नया अध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद राकेश टिकैत ने 30 मई 2022 को कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान एक शख्स ने माइक से राकेश टिकैत को पीट दिया। इसके साथ ही उनके चेहरे पर काली स्याही भी फेंकी गई। आपको बता दें कि कंकरखेड़ा स्थित एक फार्म हाउस में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन की किसान पंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी हत्या करवाना चाहती है।
वहीं कर्नाटक में हुए हमले को भी सोची समझी साजिश करार दिया है। इससे पहले दिल्ली में उनकी हत्या कराने की योजना थी, ऐसा डकैत का कहना है। साथ ही डकैत परिवार किसानों के साथ है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, वो पीछे नहीं हटेंगे, इस तरीके की बातें भी राकेश डकैत ने कही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उलझने की जगह एकत्रित होने की अपील भी की है। बता दें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश डकैत ने शुक्रवार को पंचायत में किसानों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उलझने का समय नहीं है, सरकार तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है, कार्यकर्ता व किसान हमला करने की स्थिति में नहीं बल्कि बचाव की मुद्रा में है। साथ ही कहा कि सरकार उनका हत्या करवाना चाहती है और संगठन के साथ डकैत परिवार को तोड़ना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। डकैत परिवार मजबूती से किसानों की आवाज उठाता रहेगा। बाबा महेंद्र सिंह डकैत के बाद नरेश डकैत किसानों की सेवा में आ गए। यदि हमारी हत्या हो जाती है तो आगे भी डकैत परिवार किसानों के साथ रहेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। अभी डकैत परिवार में 17-18 लोग और हैं जो इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही राकेश डकैत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले सिंचाई के लिए बिजली निशुल्क देने का वादा किया था, लेकिन अब नलकूपों पर मीटर लगाकर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही 10 साल से अधिक अवधि वाले ट्रैक्टर गाड़ी को रोका जा रहा है, इसके लिए संगठन लड़ाई लड़ रहा है। ये ट्रैक्टर का रुख दिल्ली की बजाय लखनऊ भी हो सकता है। वहीं पदाधिकारी संगठन का विस्तार करने की भी नसीहत दी है। आपको बता दें कि किसान पंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश डकैत ने कहा कि पदाधिकारी संगठन को मजबूत बनाने के लिए संगठन का विस्तार करें, अधिक से अधिक संख्या में सदस्य बनाएं, सदस्य बनाने का शुल्क 10 रुपए है। उन्होंने कहा कि सरकार संगठन के लोगों को आपस में लड़ाकर संगठन को कमजोर करना चाहती है, अलग अलग अध्यक्ष बनाकर राजनीति की जा रही है, यदि आपस में उलझे रहे तो सरकार हत्या करा देगी। आपको बता दें कि राकेश डकैत बार बार ये सुझाव दे रहे हैं अपने संगठन को और किसानों को कि वो लोग आपस में ना उलझे, और जिस तरीके से देखने को मिला कि नरेश डकैत और राकेश डकैत को जहाँ भारतीय किसान यूनियन से बेदखल कर दिया गया था, दोनों को उनके पद से हटा दिया गया, जिसके बाद ये भारतीय किसान यूनियन जो है वो दो हिस्सों में बट गया, जहां राजेश चौधरी का ये कहना है कि किसान संगठन जो है इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि सरकार तक किसानों की बात पहुंचाई जा सके, ना कि किसानों के नाम पर राजनीति की जा सके। लेकिन अगर राकेश डकैत की माने तो वो किसानों की बात कम सरकार तक पहुंचा रही है और अपनी राजनीति चमकाने में ज्यादा व्यस्त है। इसी वजह से लगातार जो किसान संगठन के लोग हैं उनका यही कहना है, लेकिन राकेश डकैत अपनी संगठन में और अपनी पंचायत में लगातार ये बातें बार बार दोहरा रहे हैं, और इसी के साथ ही बार बार वो एक तरीके से सिंपैथी लेना चाहते हैं लोगों की कि वो जो सरकार है वो उनकी हत्या करवाने की फिराक में है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही कर्नाटक में योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया है। कविता कन्नट तो युद्धवीर अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे, वहाँ होने वाली वार्ता सरकार के खिलाफ नहीं थी, संगठन की मीटिंग चल रही थी, सरकार ने इससे पहले दिल्ली में उनकी हत्या कराने की साजिश रची थी लेकिन नाकाम रही। साथ ही मेरठ क्रांतिकारी धरती है, यहाँ सभी लोग एकजुट हुए हैं और सभी को एकजुट होकर काम करना होगा, तभी सरकार से लड़ा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर देश में इन दिनों मुगल शासकों को लेकर कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश डकैत महाराष्ट्र के औरंगजेब मजार पर पहुंच जाते हैं। उनके मजार जाने की तस्वीर शेयर कर लोग कई तरीके का सवाल जो है वो राकेश डकैत से पूछते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें बाकायदा ट्रोल भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे कई नाम हैं जो राकेश डकैत को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें पत्रकार अमीश देवगन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस तस्वीर को शेयर कर पूछा कि राकेश डकैत किसान औरंगजेब की मजार पर, ये किस लाइन में आ गए आप? वहीं धीरेंद्र अवस्थी नाम के एक यूजर ने इस फोटो पर कमेंट किया, औरंगजेब ने कौन से किसानों का कर्ज माफ कर दिया था जो शुक्रिया अदा करने राकेश डकैत औरंगजेब की मजार पर पहुंच गए। इसी के साथ ही बीजेपी नेता गौरव गौतम ने
टिकैत को ट्रोल करते हुए लिखा कि औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने जाता हुआ राकेश टिकैत, आप क्या कहेगा कि औरंगजेब भी किसान था, उसने हिंदुओं की हत्या की थी। बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने लिखा कि किसान नेता राकेश टिकैत मुगल औरंगजेब की मजार पर, राकेश टिकैत जी कमाल कर दिया, कहां तक जाओगे। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत जो है लोगों के निशाने पर आ रहे हैं, साथ ही अब जिस तरीके से वो किसानों की बात कहने के लिए जाने जाते थे और वो ये कहते हैं कि वो किसानों के लिए राजनीति में आए हैं, किसानों की बात सबके लिए रखते हैं, सबके सामने रखते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो किसान है वो ही उनसे खुश नहीं है और वो खुद अब राकेश टिकैत का साथ नहीं चाहते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।